कोरोना महामारी से देश त्रस्त है, मजदूरों का पलायन जारी है, मजदूरों की हालत किसी से छुपी नहीं है। खासकर मजदूरों को इस लॉकडाउन में बहुत तकलीफ झेलना पड़ रहा है। गोंडा जिला में लगातार प्रवासी मजदूरों का आगमन जारी है। जिला प्रशासन की तरफ से मजदूरों के लिए जो व्यवस्था की गई है वो काफी नहीं है। इसी के बीच पोड़ैया हाट से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव जी के द्वारा गोंडा कॉलेज के समीप विभिन्न प्रदेशों से आ रहे प्रवासी मजदूरों के लिए पंचशाला का उद्घाटन किया गया। मजदूरों को पंचशाला में बिस्किट व पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। दूर से घर आए मजदूरों के लिए ये सेवा संजीवनी बूटी का काम कर रही है। प्रदीप यादव और उनकी टीम बाहर से आने वाले मजदूरों की सेवा में लगातार लगे हुए हैं, जहां मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश यादव, उपाध्यक्ष वेणु चौबे, रामाकांत कुमार, डॉक्टर प्रियदर्शी पाठक, मनोज यादव, इफ्तेखार रसल, शहबाज आलम आदि उपस्थित थे। आपने देखा होगा पूरे देश में तबाही का मंजर है। इस लॉकडाउन के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हुई है, खास करके प्रवासी मजदूरों के साथ, उसी में से हम सब थोड़ा छोटा सा सहयोग करने के लिए आज खड़े हुए हैं। जैसे यूँ प्रवासी मजदूरों को राज्य सरकार घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, प्रशासन भी लगी हुई है, लेकिन हमने देखा कि सेंटर में थोड़ी पानी की किल्लत हो जाती है कभी छोटी छोटी चीज़ों पर। तो हमने कहा कि हम सबको भी सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कुछ ना कुछ सहयोग करना चाहिए, और पहले से भी कर रहे हैं, तो आज एक नया हम सब ने प्रारंभ किया है। उनके हाथ में पानी, छोटा सा बिस्किट, ताकि उनको थोड़ा सा हम सहयोग कर सकें और उनके दर्द को थोड़ा बांट सकें, वही एक छोटा सा प्रयास।